हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 6 यानी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में। और चैप्टर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर हो जाता है, बहुत ही साधारण चैप्टर हो जाता है यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपके 6 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट और इसके अलावा जो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी के, वो कवर करने वाले हैं कंप्लीटली। खास बात मैं आपको बता दूं, यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो, नोट्स, पीडीएफ, सॉल्यूशन हर एक तरीके से आपकी मदद की जाए, हेल्प हो जाए मेरी द्वारा, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, सिलेबस भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आप लोग लिंक जो एप्लीकेशन है एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप है, उस पर आप जाके लाइव क्लासेस ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 की। साथ ही यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1। अध्याय 6 की बात कर लेते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी आपका चैप्टर नंबर 6 कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, मैंने ये चीज देखा और ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं। डरने का उनका वजह है क्योंकि वो समझते नहीं कि ये हो कैसी रही, किस प्रकार से हो रही, मेन बात ये होता है। अच्छा, इस चैप्टर को आप 6 हिस्सों में अलग अलग बांटिए और हर एक हिस्से को अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर आप मेरे द्वारा ये सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं तो इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 6 चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपको 6 टॉपिक पढ़ने, हर एक टॉपिक लगभग लगभग अपने आप में अलग है, इसका दूसरे टॉपिक से कोई ज्यादा खास डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो 6वां चैप्टर, 6 टॉपिक जिनको आपको अच्छी तरीके से देखते हुए चलना है, ठीक है। तो और यहां पर समझते चलते हैं, ये आपके जो टॉपिक दे रखे हैं मैंने, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहता हूं, हमेशा नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, ये मस्ट होता है। तो पहला टॉपिक क्या भाई, अवकलज धर्मापक के रूप में, यानी डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। सेकंड है आपका वर्धमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, नॉर्मल्स एंड टेंजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपका कोई है तो ये यही वाला, नॉर्मल्स एंड टेंजेंट वाला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और वर्धमान और ह्रासमान इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसी ये वर्धमान और ह्रासमान में बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं, और ये सन्निकटन वाले जो टॉपिक आपका, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ही चीजें आसान लगने लगेंगी अगर आप पूरा देखते हैं, ठीक है। तो चौथा आपको पढ़ना है सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पांचवा है उच्चतम और निम्नतम, जिसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी बोलते हैं, यानी मैक्सिमा और मिनिमा। और छठवां है आपका उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये चैप्टर नंबर 5 और 6, ये टॉपिक नंबर 5 चैप्टर नहीं, टॉपिक नंबर 5 और 6, ये दोनों आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत इकट्ठा पढ़ना, कंबाइंड पढ़ना है, आपको पढ़ना है 6.5 में, ठीक है। 6.5 में दोनों चीजें एक साथ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके 6 टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत अवकलज धर्मापक के रूप में, ठीक है। अवकलज धर्मापक के रूप में वर्धमान और ह्रासमान फलन बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा होता क्या है क्या नहीं होता। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है। इसके अलावा सन्निकटन, यहां आप देख रहे हैं सन्निकटन, ठीक है, सन्निकटन उतना नहीं आता है लेकिन चूंकि टॉपिक दिया है तो आपको पढ़ना जरूरी है। उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट एंड उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग, ये यहां से टॉपिक नंबर 5 और 6 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अवकलज धर्मापक के रूप में देखते हैं एक्सरसाइज को, देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला पार्ट देखते हैं, अवकलज धर्मापक के रूप में। अवकलज धर्मापक के रूप में यानी कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो राशियों के परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्लियर है बात। अच्छा, यहां समझने की कोशिश करिए कि क्या है भाई dy/dx, तो आपने dy/dx पढ़ चुके हैं,
चैप्टर नंबर 5 में आपने डीवाई अपॉन डीएक्स पढ़ा था कि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपका वाई का या वाई की, वाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर, y का x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर को dy अपॉन dx कह रहे हैं। अब यहां पर के सापेक्ष ध्यान रखिएगा, यहां पर सवाल में दिया है सापेक्ष, ठीक है, तो जिसके भी सापेक्ष क्वेश्चन में कहेगा, जिसके भी सापेक्ष आपके क्वेश्चन में कह रहा है परिवर्तन करना है, उस चीज को आप कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी हर में रखेंगे। ध्यान रखिएगा इसको, इस बात को, जिसके सापेक्ष आपको परिवर्तन करना है मतलब उस चीज को आपको नीचे रखना है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सापेक्ष नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी चीज के सापेक्ष नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो किसके सापेक्ष करोगे, समय के सापेक्ष करोगे, टी के लिए कर दोगे अवकलन, ठीक है। किसके लिए अवकलन कर दोगे, टी के लिए अवकलन कर दोगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि dy अपॉन dx को आप कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, इसका मतलब y की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर और अपॉन में x की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि कोई भी चीज के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज है जो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया, अगर डायरेक्ट दिया है तो सीधे सीधे आप करोगे, और अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो समय के सापेक्ष कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ नोट है जो मैंने दिए हैं आपको, देख लीजिए कि यदि x का मान बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है तो dy upon dx धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और x का मान बढ़ने से यदि y का मान घटता है तो dy upon dx ऋणात्मक होता है। बेसिकली इसका ज्यादा कुछ खास यूज नहीं होगा, बेस आपका जो मेन यूज है वो इसका है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है दर घटने के लिए, क्वेश्चन में अगर दिया है दर घटने के लिए तो dy upon dx आप ऋणात्मक लेंगे, और अगर दर बढ़ रही है, दर बढ़ने पर, तो आप dy upon dx धनात्मक लेते हैं, ठीक है, धनात्मक लेते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 की बात कर लेते हैं। और यहां पर आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 211 की बात कर लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ चलेगा। कह रहा है भाई वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्या परिवर्तित हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, और मैंने आपसे कहा है कि जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे रखना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a, और r के सापेक्ष कह रहा है, ज्ञात कीजिए, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, सॉरी dA अपॉन dr लिख दिया मैंने, ये आपको निकालना है dA, ए के परिवर्तन निकालना ना, ए का परिवर्तन डी ए अपॉन किसके सापेक्ष निकालना है, आर के सापेक्ष, तो डी ए अपॉन डी आर निकालने के लिए कह रहा है, डी अपॉन डी आर निकालने के लिए कह रहा सवाल, ठीक है। ज्ञात कीजिए जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, समझ के बाद क्या भाई समझना है कि अगर ये आप देख पा रहे हो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना आपको, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करेंगे उसको कहां ले जाना है, अपन को नीचे ले जाना, उसको कहां ले जाना है, नीचे ले जाना। बहुत ही सिंपल सवाल हो जाएगा, देखिए करना क्या है, किस तरीके से आएगा आपका, ये इसको समझ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से होने वाला है ये चीज, ठीक है, देखिएगा एक मिनट जरा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ले लेते हैं एक मिनट, ठीक है। हाँ अब आते हैं सवाल पे, सवाल क्या कह रहा आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले बात कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है भाई आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब सवाल में कह रहा त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन करो, तो r के सापेक्ष आप अवकलन कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप ले रहे हैं कि डी ए अपॉन डी आर बराबर d अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई बाहर ले लो, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो यहां से आपको कितना मिल गया, डी ए अपॉन डी आर बराबर 2πr। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि यूनिट क्या बन रही है, ठीक है, त्रिज्या किसमें दी थी, 5 सेंटीमीटर में दी थी ना, और हमेशा याद रखना आगे के लिए कि वैल्यू ऑलवेज आप एंड में रखोगे, हमेशा जो कोई भी वैल्यू दी होगी किसी भी चीज के लिए, वो लंबाई हो चौड़ाई हो त्रिज्या हो कैसी भी चीज हो, उसको हमेशा आप एंड में रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये मत करिएगा कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपने यहां रख दिया, ऐसा मत करिएगा। अच्छा बात कर लेते हैं यूनिट की, तो यहां पर दिया है आपको ए, तो क्षेत्रफल के लिए बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया है आर, तो त्रिज्या के लिए बनेगा सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर, और यूनिट क्या बना दोगे, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, इस तरीके से यूनिट बना दोगे। अब आगे सवाल क्या रहा था कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर के लिए आप ज्ञात कर लो, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कब ज्ञात करना है, आर बराबर 5 के लिए, ठीक है, आर बराबर 5 के लिए निकालते हैं, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो dy dA अपॉन dr, dA अपॉन dr व्हेन r इक्वल टू 5, तो यहां पर आप कितना करेंगे 2 पाई, r का मान कितना लेना बोले 5, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 10 पाई, यूनिट क्या रखोगे, यूनिट आपको पता है क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर, तो ये भैया फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही सिंपल आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके का सवाल जो है वो आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है 6.1 का, पहले क्वेश्चन में 2 सवाल दिए उनको लगा दीजिए, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको करने के लिए कह रहा, तो ये सवाल लगा लीजिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ, उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं, आपको कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर क्यूब रहेगा आपका, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है यानी भुजा के रहा, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पहली बात तो यहां पर देखिए यहां कह रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि यूनिट को हमेशा ध्यान रखिए, तो क्या दिया यूनिट, यूनिट कह रहा आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्यू किसके लिए लेते हैं, क्यू आयतन के लिए लेते हैं, और सवाल में भी आयतन लिखा है, स्पष्ट तौर से सवाल में लिखा है कि नहीं आयतन, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा यूनिट को हमेशा, जैसे मैंने यहां पर आपको ये दिया है ना, ये वाली यूनिट देखेंगे अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से क्या पता चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल के बारे में पता चल रहा, और यहां पर दिया सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से क्या पता चल रहा, आयतन के बारे में पता चल रहा, ठीक है। और एक दूसरी चीज देखिए, यहां पर दिया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, आयतन को आप वी मान लेना, और किसके सापेक्ष करना है अपन को, समय के सापेक्ष, तो ये 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या दिया बेसिकली, ये दिया आपको डीवी, कितना दिया डीवी अपॉन डीटी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये डीवी अपॉन डीटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। घन का आयतन, ठीक है, और उससे पहले आपने कह रहे यहां पे कोर की लंबाई, तो मान लिया हमने कोर की लंबाई x, माना घन की भुजा यानी कि कोर, ठीक है, तो कोर क्या मान लिया आपने, x सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया आपने घन की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। अब आते हैं घन के आयतन पे, तो घन का आयतन देख लीजिए, घन का आयतन आपको पता है, घन का आयतन क्या होता है, वी बराबर भुजा क्यू, ठीक है, वी बराबर भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा की घात 3, ठीक है, यानी आप कर रहे हैं कितना, वी बराबर एक्स की पावर 3। अच्छा सवाल में आपको दिया था 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो ये कितना दिया भाई, ये हो गया डीवी अपॉन डीटी बराबर डी अपॉन डीटी एक्स की पावर 3, तो ये कितना निकल के आएगा यहां से, 3x² × dx / dt। अब आपको सवाल में दे रखा है ना कि डीवी अपॉन डीटी कितना है, चूंकि डीवी अपॉन डीटी बराबर, ये आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको इतना दे रखा है, ठीक है, तो देखते हैं, यहां से आपको 9 dv/dt की जगह रखना है 9, ठीक हो जाएगा 9 = 3x² dx / dt, तो यहां से आपको dx/dt की वैल्यू मिल जाएगी, dx/dt = 3x² का भाग कर दें तो 9/3x², ठीक है, तो ये dx/dt कितना हो गया भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं dx/dt, 3 से काटे हैं
थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं यहीं पर यूनिट की बात करूं तो एक्स क्या है, एक्स भुजा है, तो आप इसकी अगर यूनिट बनाना चाहें तो ये बन जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब सवाल में आपको कह रहा था इसके पृष्ठ का, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब आपको ये याद होना चाहिए पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को आप सरफेस है, सरफेस का एरिया निकाल, यानी एस ले लिया, एस बराबर 6 x² ठीक है। और किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष, कोई भी चीज यहां पर हो रही है तो किसके सापेक्ष हो रही है, टी के सापेक्ष। तो डीएस अपॉन डीटी बराबर 6 को बाहर निकाल लीजिए, डी अपॉन डीटी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या कितना मिल जाएगा, 6, और ये हो गया 2x, यानी 12x। और अगर यूनिट की बात करूं तो क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब सवाल में कह रहा था कोर कितना दिया है, कोर आपको दे रहा था यहाँ पर dx अपॉन dt, अच्छा ये t के सापेक्ष कर रहे थे ना, तो t के सापेक्ष कर रहे थे, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना, dx अपॉन dt, ठीक है, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt, अभी ठीक है, ठीक। और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 3x, 3 अपॉन x², dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली थी अपन ने, 3x है ये, dx अपॉन dt की वैल्यू 3 अपॉन x², तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 6 तो नहीं, 12x × 3 अपॉन x², तो कितना हो जाएगा, x से काट देंगे तो 36 अपॉन x, x से x काटा, और यहाँ पर ले सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। और कोर की लंबाई कह रहा था जब यदि x बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आप कह रहे हैं डी एस अपॉन डी टी वेन एक्स इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सवाल इसी तरीके से लगना था, ये समझ गए होंगे आप क्या करना था आपको। देखो भाई सवाल को समझते हैं, सवाल में सबसे पहले आपको देना था आयतन, ठीक है ना, आयतन दे रहा था, ठीक है। तो आयतन दिया, तो आयतन के लिए फॉर्मूला लगा दो, अपॉन में एस देख रहे हो, अपॉन में एस देख रहे हो, तो डीवी अपॉन डीटी लगाएंगे, वहां से आपने निकाला डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है, कितना निकाला, डीएक्स अपॉन डीटी निकाला। और फिर पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना था, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और याद रखना हमेशा यूनिट को बहुत ध्यान रखना है, आपको यूनिट का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही। अब इसी पर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है उसको लगाइएगा, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल दिया है, ठीक है। यहां पर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, और जो एक्सरसाइज में दिया है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से कह रहा, और यहाँ पर जो लंबाई दी है, जो भुजा दी है, कोर दिया है, वो 10 सेंटीमीटर है, और एक्सरसाइज में 12 सेंटीमीटर कह रहा, तो बन जाएगा, लगा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आपको कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। आपको पता है जब झील में पत्थर डालेंगे तो भाई किस प्रकार की तरंगे बनेंगी, ऐसे गोल गोल तरंगे बनती है ना, ठीक है, जब आपने देखा भी है अच्छे से, आपको पता हो इस तरीके से तरंगे बन जाती है, ठीक है, डाला जाता है, और तरंगे वृत्तों में, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। अब ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो कैसे पता चलेगा ये क्या है, ये आपको दिया है ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा यूनिट से, ठीक है। सेंटीमीटर किसको बताएगा, सेंटीमीटर बताएगा त्रिज्या को, क्योंकि वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो सेंटीमीटर किसको बताएगा, त्रिज्या को बताएगा, और बटे प्रति सेकंड की बात कर रहा, तो बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डी आर अपॉन डी टी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, डी आर अपॉन डी टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, सिंपल चीज है, क्षेत्रफल के बारे में आप उनको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर कितना भाई, पाई आर स्क्वायर, ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और टी के सापेक्ष करना है अपन को, तो डी ए अपॉन
dt बराबर d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर। तो पाई बाहर निकल आएगा और आई स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू में dr अपॉन dt, ठीक है। और आपको dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आप ले रहे हैं कि चूंकि चूंकि dr अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहां पर आपने लिया कि dA dA अपॉन dt बराबर ये कितना हो गया भाई 2 पाई आर इंटू में 4, यहां से आप कितना लिया 8 पाई आर। और अगर यूनिट की बात करूं मैं तो कैसे लोगे, क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और t समय के लिए सेकेंड, ठीक है। तो आप कह रहे हैं भाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब सवाल में कह रहा था त्रिज्या, तरंग की त्रिज्या, यहां देखो भाई तरंग की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आप रख देंगे आर की वैल्यू यहां पर सीधे सीधे। यदि यदि आर बराबर 10 सेंटीमीटर है तो डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इक्वल टू 10, तो 8 पाई और 10 का बड़ा गुणा करें तो कितना आ जाएगा वहां, तो यहां से आपको मिल जाएगा 80 पाई। 80 पाई यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके का सवाल आपको एक्सरसाइज 6.1 में पांचवा सवाल दिया है, तो कर लेंगे आप, बन जाएगा आपसे। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो इसी प्रकार का सेम टू सेम सवाल है, बन जाएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी आयत की लंबाई एक्स 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अच्छा घटने का मतलब ये, अच्छा यहां पर ये समझने वाली बात है, देखो भाई ये 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है कि एक्स के लिए कह रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, और घट रही है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव रखोगे, कैसी रखोगे, नेगेटिव रखोगे, ठीक है ना। और चौड़ाई वाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो सिंपल है, बढ़ने के लिए पॉजिटिव लोगे जैसे मैंने पहले कह रखे आपको, ठीक है। तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो सिंपल है, दो सवाल दिए परिमाप। अब यहां पर आपको परिमाप पता होना चाहिए क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो जाएगा और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अच्छा ये आयत की लंबाई एक्स 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट कह रहा है, तो इसका मतलब क्या भाई कि ये आपको दिया है डीएक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डीएक्स अपॉन डी टी। लेकिन क्योंकि लंबाई जो है कि इधर घट रही, तो माइनस का 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है, प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और चौड़ाई जो है डी वाई अपॉन डी टी वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है, तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अब बात पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज और रह गई है कि एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर और वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पर ध्यान नहीं दिया मैंने, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाया, ठीक है। तो पहले की बात कर लेते हैं परिमाप की, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, टू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, सिंपल। तो परिमाप यानी पैराग्राफ के लिए p ले लिया, टू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x प्लस y, और किसके सापेक्ष आप देख पा रहे हो, t के सापेक्ष दिया कि नहीं सवाल में, तो जब t के सापेक्ष दिया तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा कि भाई dp अपॉन dt बराबर, दो को बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा dx अपॉन dt x के लिए, और y के लिए हो जाएगा dy अपॉन dt, सिंपल, ठीक है। और dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस का 3, और dy अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है प्लस का 2, तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 एंड -1 बराबर -2। और dp भाई पैरामीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर बनेगा ना, यूनिट पैरामीटर की जो परिमाप की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। और यहां पर आप क्या कह सकते हो कि इसलिए परिमाप परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है, ठीक है, की दर से घट रहा है।
ठीक है। इसके बाद बी नंबर की बात कर ले, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा था वो, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या हुई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल के लिए ए ले लिया, एरिया एक्स इंटू वाई, टी के सापेक्ष कर रहे हैं अपन अवकलन, तो डीए अपॉन डीटी बराबर, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, एक्स को बाहर रखा, डी वाई अपॉन डी टी किया, प्लस वाई को बाहर रखा और डी एक्स अपॉन डी टी का कर दिया, ठीक है। अब यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू भी रख दीजिए, और डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी की भी वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है। तो कितना भाई, एक्स का मान दिया था 10, एक्स और वाई का मान 10 और 6 दिया, ध्यान रखना, एक्स का मान दिया था 10 और डी वाई अपॉन डी टी का मान है 2, प्लस वाई का मान दिया है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी का मान है माइनस का 3, तो यहां से कितना मिला भाई, 20 माइनस 12 बराबर 2, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी, और क्षेत्रफल के लिए क्या लेंगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा आंसर सिंपल। तो यहां से आपने क्या कह दिया कि अतः, या सो अतः क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा, बढ़ रहा है, सिंपल, ठीक है ना। तो बन जाएगा आपसे इस तरीके का सवाल, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, सेम टू सेम सवाल है, करिएगा आ जाएगा आपसे, ओके। उदाहरण नंबर 5 की बात कर लेते हैं, आपको कह रहा है किसी वस्तु की एक्स इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत सी एक्स रुपयों में दिया है, ठीक है, सी एक्स रुपयों में कुल लागत के बारे में बात कर रहा है, तो सी एक्स कह रहा है आपको कि 0.005x³ - 0.02x² प्लस 30x, 30x + 5000 5000 से प्लस है, ठीक है, तो कुल लागत दे रखी है। फिर आपको कह रहा है कि सीमांत लागत क्या थी, सीमांत लागत क्या करने के लिए कह रहा है कि जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, 3 इकाई उत्पादित करने का मतलब यहाँ पर है कि एक्स का मान 3 दिया, ठीक है, जहां सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट या एमसी से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है, ठीक है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए करने के लिए कह रहा, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको निकालना क्या, आपको निकालना सीमांत लागत, और सीमांत लागत बेसिकली है क्या कि संपूर्ण लागत, सीमांत लागत क्या है, संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन, ठीक है, सीमांत लागत क्या है, संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन, संपूर्ण लागत यानी कि कुल लागत, ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है आपको, जी कुल लागत ये सी एक्स, अब यहाँ पर आपको सीमांत लागत निकालना है, तो सीमांत लागत क्या कहलाएगी भाई, सीमांत लागत हो जाएगी यहां से आपकी कितनी, सीमांत लागत, ठीक है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एम सी, इसको अपन बोलेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि समीकरण आपका एक्स के रूप में है, तो डी अपॉन डी एक्स एंड सी एक्स इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी एक्स एंड ये दिया 0.005x³ - 0.02x² + 30x + 5000, तो यहां से अवकलन कर देंगे और सिंपल तौर से आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.0053x² - 0.02x² का हो जाएगा 2x + 30 + 5000 का हो जाएगा 0, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया, ये हो रहा है 3 × 5 = 15, तो 0.015x² - 0.04x + 30, ठीक है, तो ये हो गया एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा था। अब सवाल आपसे कह रहा था कि जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी कि जब एक्स बराबर 3 है तो, ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं कि भाई एमसी मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 0.015, और एक्स का मान रखना 3, तो 3² - 0.04 और गुणे में 3 + 30, तो यहां पर कर रहे हैं 0.015 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 3 = 12.12 +
30, तो 15 नंबर 135, तो 0.135 माइनस का 0.12 प्लस का 30। अब प्लस प्लस की चीज को आप जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपने ले लिया 30.135 माइनस का 0.12, ठीक है। और 0.120 कर लीजिए और घटाएंगे तो ये आएगा आपका 30.0 और 1, ठीक है, और 5, इतना। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30.02 रुपए लगभग, ठीक है, क्योंकि भाई जो कुल लागत तो सीमांत लागत निकलेगी वो किसमें निकलेगी, रुपए में दिए ना, कुल लागत किसमें दी थी, रुपए में दी थी, देख लीजिए, ठीक है, कुल लागत किसमें दिए, रुपयों में, तो कुल लागत रुपयों में है तो सीमांत लागत भी किसमें निकलेगी आपकी, रुपयों में। इस तरीके से करना था, कोई भी दिक्कत है तो रिवर्स करो, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है किसी उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में, आर एक्स बराबर, आपके समीकरण दे दिया 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है, जब एक्स बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और एमआर से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उदाहरण नंबर 5 आपने लगाया था, सेम टू सेम आपका वैसे ही सवाल है, बिल्कुल वही चीज कह रहा है, ठीक है। वहां पर कुल लागत और सीमांत लागत क्या था, यहाँ पर कुल आय और सीमांत आय की बात कर रहा है। तो उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 बिल्कुल एक ऐसे सवाल थे, और इसी के आधार पर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम। जैसे उदाहरण नंबर 5 और 6 है, उसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18, 15, 16 और 18, ये 3 सवाल दिए हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इसी प्रकार से करना है, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपको कुल आय दिए और सीमांत आय निकालिए। सीमांत आय के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा कि विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर, कुल आय के परिवर्तन की दर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर की बात करें तो कैसे निकालना है कि d/dx and rx निकालना है, ठीक है। तो d/dx और आर एक्स कितना रखना है, 3x² + 36x + 5, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो कितना निकल गया आएगा, 3×6 x + 36, ये हो गया। अब उस सवाल कह रहा था आपसे कि जब x बराबर 5 हो, जब x बराबर 5 हो, तो x की वैल्यू 5 रखनी है, जब x बराबर 5 हो तो एम आर कितना हो जाएगा भाई, तब एम आर की मैं बात हम तो बात कर ले, तो 6×5 + 36 यानी 6×5 = 30 + 36, तो यहां से निकल के आएगा भाई 66 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये आ गई कुल सीमांत आय, ठीक है, सीमांत आय निकालनी थी, तो सीमांत आय कितना आ गया, 66 रुपए, ये हो जाएगा इस प्रकार से आंसर, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण लग गए हैं पूरे 1 से लेकर 6 तक, और इसी पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, क्लास आपको अच्छी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर पाए तो अच्छी बात है, कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपको कितने अच्छे और यूजफुल साबित होते हैं, ठीक है। और अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लेना एक्सपी क्लासेस, वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है, ऐप ऐप मिल जाएगा, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम फीस है, बहुत ही कम फीस है मैं ये कह सकता हूँ, और पूरा आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.1 में देखते हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है, आशा है, होप है, यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत
मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।